सुप्रभात बच्चों, आपने पिछले क्लास में सीखा था ओ के बारे में अभ्यास किया था आप लोगों ने, ठीक है। तो आज हम क्या सीखेंगे, आ के बारे में अभ्यास सीखेंगे। आ का अभ्यास कैसे किया जाता है, यानी कि कौन से मात्रा यूज करके का लिखा जाता है, कि का लिखा जाता है, खा लिखा जाता है, ये गा लिखा जाता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। आ की मात्रा व्यंजन के आगे लगाई जाती है, आ की मात्रा व्यंजन के आगे लगाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पता है बाराखड़ी में क हलन के साथ आ, या तो ऐसे लिखा जाता है क हलन के साथ आ का, ठीक है, का काला। काला मीन्स क्या है, ब्लैक। ब्लैक, ठीक है। और यहाँ पे ये है उदाहरण के लिए, ये पहला वाला। दूसरा वाला जो है म आदि आ या म अधिक आ की मात्रा मा, मीन्स माला। माला मीन्स नेकलेस। उसके बाद जैसे कि उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ वर्ड्स, आम, आरा, आकाश, ठीक है, आ, ये जो है सभी आ के मात्राएं हैं। और यहाँ पे है ये जो सभी तरफ, यहाँ फर्स्ट वाला जो है आ है, ठीक है। अभी आ की मात्रा लगाकर हम अक्षर बनाएंगे, जैसे कि छा की आ की मात्रा लगाकर छाता, ठीक है, ताला, भाला, कार, ना, ठीक है, कान, कान, पान, ये है आ की मात्रा, देखिए, ठीक है, ये है आ की मात्रा, ये आ की मात्रा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको एक पद दिखाऊंगी, जैसे कि देखिए इधर, ठीक है, आपके पास शायद टेक्स्ट बुक नहीं है तो आपको मैं यहाँ दिखाऊंगी। राजा का नाम आया, यहाँ पे पूरा आ की मात्रा ही लगाई गई है, राजा, यहाँ पे भी आ की मात्राएं हैं दोनों शब्द व्यंजनों में, और का को भी है आ की मात्रा, और म को भी है आ की मात्रा, और आया को भी है आ की मात्रा। तो राजा का मामा आया, ठीक है, राजा का मामा बाजा लाया, राजा का मामा क्या लाया, बाजा, बाजा यानी कि ड्रम, राजा बाजा बजा, एक्सक्यूज मी, बाजा मीन्स दिस वन, पंप, विसल, राजा बाजा बजा, राजा बाजा रहता है ना बजाने वाला, वो बाजा बजा, बिगुल वी कैन से, ठीक है। राधा गाना गा, राधा गाना गा, अब आम खा, काला छाता उड़ा, राधा अब शाला जा, ठीक है। यह है सभी पूरे अक्षर जो है आ की मात्रा से ही बने हुए हैं, आप इसको एक बार लिख कर निकालना है, ये देखिए, ठीक है। इसे आपको लिखने हैं,
इसके बाद आती है आ मात्रा के शब्द। कैसे लिखा जाता है देखिए, जैसे कि का, खा, गा, खा, चा, छा, झा, छा, उस्तिल ज्ञ तक है। यह है आ की मात्रा है, ठीक है। अभी आ के मात्रा से बने शब्द को आपको क्या करना है, कितने लिखने हैं, 10 लिखने हैं। आ से बने मात्रा के शब्द आपको कितने, 10 लिखने हैं। जैसे कि मैं अभी बताऊं, मैंने बताया है कि छाता, ताला, भाला, कार, नाक, कान, पान। उसी तरीके से आपको भी क्या करना है, आ मात्रा के अक्षरों को 10 लिखने हैं, ठीक है। और क्या करना है, ख, ख, खा, की जो है उसमें से खा, खा, खा के मात्राएं लगाए हुए, जैसे कि खा, 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 की, खो, खो, खा जो है उससे आपको 12 कड़ी में लिखनी है, ठीक है। टिल तक, जैसे मैंने बताया, यदि आपको समझ में नहीं आया तो फिर एक से बार दोहराऊंगी। ए जो है आपको इस का से लेकर हा तक आपको 2 बार लिखकर निकालने हैं का की मात्राओं के अक्षरों को, ठीक है। अभी मैंने जो बताया तो आपको आ मात्रा से बने शब्द, वो शब्द है आपको 10 लिखने हैं। इसके आगे जो है वो आ मात्रा से, आ मात्रा के ही है, यहाँ पे चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। आई नो यू डोंट हैव योर टेक्स्ट बुक, देन ऑल्सो आई शो यू दिस वन। दिस इज द पिक्चर एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस पिक्चर एंड यू राइट इट डाउन बिलो व्हाट इज द करेक्ट वर्ड, ओके। ताला, कार, कान, माला, इसको आपको चित्र सहित निकाल कर लिखना है अपने क्लास वर्क में, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही होगा, अगले क्लास में हम सीखेंगे इसके रिलेटेड एक्सरसाइज, यानी कि इसके रिलेटेड जो अभ्यास है इसको हम सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।